कभी आपने सोचा है कि जब भी आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल लेने जाते हो तो किसी भी पेट्रोल पंप पे चले जाते हो, आप तब ये नहीं देखते कि पेट्रोल एचपी का है या फिर इंडियन ऑयल का, क्योंकि पेट्रोल तो हर जगह एक ही है ना, सेम प्राइस और सेम क्वालिटी, फिर कंपनी क्यों देखनी। क्या आपको पता है ऐसे प्रोडक्ट्स को कमोडिटी कहते हैं, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसे आप इजीली दूसरे प्रोडक्ट के साथ इंटरचेंज यानी कि अदला बदली कर सको और दोनों में डिफरेंस ना बता सको, उसे कमोडिटी कहते हैं। तो क्या यूज्ड व्हीकल्स या फिर लैंड एक कमोडिटी है? नहीं, ये सब नॉन कमोडिटी हैं, यानी ऐसे आइटम जो कि यूनिक, हिस्टोरिकल और रेयर हो। कमोडिटीज हमारी डेली लाइफ का पार्टी तो है, कॉफी, चना, शुगर, ऑरेंज जूस, कॉटन, ये सब सॉफ्ट कमोडिटीज के अंदर आते हैं जो कि उगाए जाते हैं और ज्यादा लंबे टाइम तक स्टोर नहीं किए जा सकते। और वहीं हार्ड कमोडिटीज में आते हैं एनर्जी और मेटल्स, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, स्टील, और जहां आप इन कमोडिटीज को बाय और सेल कर सको उसे कहते हैं कमोडिटी मार्केट। अब जल्दी से कमेंट्स में बताओ कि सबसे ज्यादा ट्रेडिंग किन कमोडिटीज में की जाती है।